नॉलेज मोल आप लोगों का स्वागत करता है। वेलकम टू नॉलेज मोल। कल हम एक क्वेश्चन की बात किए थे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना था। तो क्वेश्चन था कि जुड़वां आवास संख्या किसको बोलेंगे, तो जल्दी से बताइए जुड़वां आवास संख्या किसको बोलेंगे। ऐसी आवास संख्या जिसके बीच दो का डिफरेंस हो, जैसे 3, 5, 5, 7, ओके 11, 13, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, जुड़वां आवास संख्या। जैसे 71, 73, ये क्या कहलाएगा, जुड़वां आवास संख्या। तो अब आप लोगों से वो क्वेश्चन बन जाएगा। एक और डाउट रहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर एक डाउट था, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसका d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है, x स्क्वायर कोफिशिएंट, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो आपके पास क्या था वहां पर, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा था। अब यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू जीरो का अप्लाई करेंगे तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर b क्या हो जाएगा, k। तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4, ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, तो ए का वैल्यू हो गया 1। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 9, तो इनटू 9 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया आपके पास, के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर, अच्छा दैट मींस अगर आर मान ले तो हमेशा आर ही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपया, दैट मीन्स 500 रुपया जो हमारा 4 वर्ष के लिए, ठीक है, और 3 वर्ष के लिए 600 रुपया। तो 600 रुपया 3 वर्ष के लिए जमा करता है और दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपया प्राप्त होता है। अच्छा, कुल हमारा इंटरेस्ट 190 रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर बताए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, तो अगर ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 500 का 4% ये ब्याज हुआ, लेकिन कितने साल के लिए चाहिए, सॉरी 500 का 4% नहीं, 500 का r%, 500 का r%, ये हमारा एक साल का ब्याज होगा, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए चाहिए, तो इंटू 4, फिर प्लस इस पर क्या होगा, 600 रुपये का ब्याज r%, कितना, एक साल के लिए, कितने साल के लिए चाहिए हम लोगों को, 3 साल के लिए, तो इंटू 3, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 190। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100000 गायब यहाँ से, फिर ये 0000 गायब हो गया यहाँ से, तो r का वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा 20, अब प्लस कितना हो जाएगा 18, 38, दैट मीन्स 190/38, दैट मीन्स 5 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा हमारा 5%, तो आंसर हो गया डी। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है 2500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 2500 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन। ओके, तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर क्या होगा, 2500 का 4%, तो 2500 का 4% निकाल लेंगे, 00 गैप कितना हो जाएगा, 100, ये फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे, कल भी इस तरह के क्वेश्चंस को बनाए थे हम लोग, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर पर जाएंगे तो फिर पहले 2500 का 4% कितना लगेगा, 100 रुपया, फिर देखिए 100 का भी 4% लगेगा, जो पीछे का जो बाकी रहेगा उस पर भी 4% लगेगा, तो 100 का 4% कितना हो जाएगा, 4 रुपया, ये तो इसी साल का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 + 100 = 200, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, चूंकि हर साल 4% अगर लग रहा है, हर साल 4% लग रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट होता है वो सीआई में शामिल हो जाता है, तो सीआई कितना हो जाएगा यहाँ से 204, एसआई कितना हो गया हमारा 200, तो डिफरेंस कितने हो जाएगा, 4 रुपये का। तो हम लोगों को डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को सिखाने के लिए बताया है, सिंपली याद रखिएगा, इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वही एसआई सीआई का अंतर हो जाएगा, तो कितना लग रहा है, 4 रुपया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं, 2500 के 4% का 4% सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स P इंटू आर बाय 100 का
स्क्वायर, ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर होते हैं, जहां पर पी मूलधन और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो 2x+7/4 का वैल्यू क्या होगा? तो पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय, फिर क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2, यही है ना। देखिए, 1 1 2 1 3 1, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय 2 तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 बाय 2। अब ये फिर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाई 3। ओके, तो ये फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई 3। तो अब देखिए, जब ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 5 बाई 3, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 5 बाई 3। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 बाय 5, तो ये फिर हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस, ये 5 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाय 5, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 8 बाय 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 बाय 8। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 बाय 8। ये किसका वैल्यू हो गया, एक्स का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, तो हम लोगों को वैल्यू चाहिए 2x+7/4 का। तो 2x, x के जगह कितना रखेंगे, 13 बाय 8, तो कितना आ जाएगा, 13 बाय 4, चूंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 हो जाएगा, +7/4। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/4, दैट मीन्स कितना हो गया, 5 हो गया आंसर। अब देखिए, अगर हम लोग इसको जल्दी से बनाना चाहें तो जल्दी से बना सकते हैं। क्या सोचेंगे, 1 प्लस 1 बाय 2 कितना होगा, 3 बाय 2, तो इसको कैंसिल आउट करके 3 बाय 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अब ये ऊपर जाएगा, 2 बाय 3 हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 2 बाय 3। अब ये 1 प्लस 2 बाय 3 क्या हो जाएगा, 5 बाय 3, ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बाय 5, दैट मीन्स ये पूरा कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 3 बाय 5, तो यहाँ पर लिख दिए +3 बाय 5। अब ये पूरा सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 8 बाय 5, तो 1 बाय 8 बाय 5, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बाय 8, ठीक है। लेकिन आपको डिटेल में समझ में आए इसलिए हम इस तरह से सॉल्व किए, लेकिन अगर एक दो बार सॉल्व कीजिएगा तो यहीं से सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जल्दी नहीं बनाना है, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल आराम से सेपरेट करके लिखिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो इसको समझने में या बनाने में, या जल्दी नहीं बन जा रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका एक अच्छा सॉल्यूशन, ताकि अच्छे से बन जाए, ज़रूर बताएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिनों में कर सकता है, तो बी आपका 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना दिन तक साथ में काम किया, 4 दिन तक, तो काम कितना रहा होगा ये देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, चूंकि ए 15 डेज में करता है और बी 20 डेज में करता है, तो 15 20 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। अब इसका मतलब ये हो गया कि तो हम लोग ये मान लिया कि काम टोटल 60 यूनिट रहा होगा। ए 15 दिन में करता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट, ठीक है। बी 20 दिन में करता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। तो अब देखिए, कितना दिन तक काम किया ये, 4 दिन तक, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 1 डे में कितना काम करेगा, 7 यूनिट काम करेगा। कितना दिन तक काम किया है, 4 दिन तक, तो 4 डेज में कितना काम करेगा, 28 यूनिट काम करेगा। अब देखिए, काम कितना बचा हुआ है, टोटल 32 यूनिट बचा हुआ है, क्योंकि काम तो 28 यूनिट ही हुआ है, टोटल करना कितना था, 60 यूनिट, 32 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। कितना में से, 60 में से, तो 32 बाय 60। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 18 बाय 15, आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर 5 मिलीमीटर, अब देखिए यहाँ से ये सेंटीमीटर हो गया, ये मिलीमीटर है, तो हम लोगों को पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। त्रिज्या वाली छोटी गेंदी बनाई गई, तो गेंदों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या बोल रहा है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था, ठीक है, दैट मीन्स एक स्क्वायर था जिसका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या था, और एक छोटका छोटका गोली बनाया गया, इसका त्रिज्या कितना है, 5 मिलीमीटर, इतना है कि हम त्रिज्या को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं।
तो गेंद की संख्या कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r³। r क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहां पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 × 100 बाय क्या होगा इसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r³। r क्यूब क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5। तो देखिए 4 पाई बाई 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 20 ये भी 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000। अब देखिए कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट का नाम दे देंगे इसको, बोलेंगे भाई इतना मत करो, इसके त्रिज्या के क्यूब में, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर है तो 10 मिलीमीटर बना देते, तो इसको 100 हो जाएगा, तो 1000 मिलीमीटर के क्यूब में इसके त्रिज्या से डिवाइड कर दो, 5 के क्यूब से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। तो बस प्रोसेस इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म वो बता देता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं, याद रखना भी आसान है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण, ठीक है, 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब का कीमत ज्ञात करें। तो देखिए अधिक क्यों खरीद पा रहा है, कितना सेब, 10 सेब अधिक कमी खरीद पा रहा है, क्यों, तो जितना पैसा कम हुआ उसी में से 10 सेब मिलता होगा, क्या बोल रहे हैं, आप ही सोचिए जरा कि अगर आप 10 सेब अधिक खरीद रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जबकि पैसा क्या हुआ हो, कम हो गया हो, उसका दाम कम हो गया है, तो जो पैसा बच रहा है उसी से 10 सेब ज्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो कितना, 10% कमी के कारण, इसका मतलब क्या हो गया, 54 का 10%, इतना पैसा हमारे पास बचेगा, सिंपल सी बात है, 10% कमी हुआ है तो 54 रुपये में कितना बचेगा, 54 का 10% हमारे पास बचेगा, ठीक है, इससे क्या खरीद रहे हैं, 10 सेब अधिक खरीद पा रहे हैं, तो एक सेब का दाम कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, हम लोगों को कितना सेब का दाम चाहिए, तो कमी के बाद प्रति दर्जन, दैट मीन्स 12 सेब का दाम चाहिए, तो × 12 कर देते हैं, अब सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ से, 10 10 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 4 12 5 60 4 64 बाय 100, तो पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 6.48, ठीक है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको फिर से देखिए बताते हैं, इस क्वेश्चन को बाय प्रोसेस बताते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझ पाए। मान लेते हैं कि पहले जो मूल्य था, ठीक है ना, फर्स्ट में जो प्राइस था वो ₹x पर सेव था, दैट मीन्स एक सेव का दाम ₹x था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमी के बाद यानी कि सेकेंड कंडीशन में जब कमी आया तब मूल्य कितना हो जाएगा, तो कमी कितने का आया है, 10% का, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, x का 90%, जब 10% का कमी आएगा तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, x का 90%, दैट मीन्स 9x/10 अब मूल्य है, ठीक है। अब देखिए पहले पहले जो है हमारा, अगर नंबर ऑफ सेब की बात करें, नंबर ऑफ सेब की बात करें, हिंदी इंग्लिश मिला दिए हैं, नंबर ऑफ सेब की अगर बात करें तो 54 रुपया में कितना सेब मिलता होगा, तो एक सेब का दाम ₹x है, यहां पर सेकेंड कंडीशन में एक सेब का दाम कितना है, 9x/10 रुपीज है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेब पहले कितना खरीदता होगा, तो 54/x, ठीक है। दूसरा कंडीशन में नंबर ऑफ सेब कितना होता होगा, जल्दी से बताइए, तो निश्चित है कि 54/9x/10, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 × 10/9x, 9 6 जा कितना हो जाएगा, 60/x, ये सेब की संख्या है। अब दोनों कंडीशन की बात करें तो क्या बोल रहा है कि 10 सेब अधिक खरीद पाते हैं, इसका मतलब ये सेब 10 अधिक है, किससे, इससे 10 अधिक है, इसका मतलब 54/x में 10 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 60/x के बराबर, ओके। तो अब यहां से देखिए तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 60/x माइनस 54/x, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6/x, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल हो जाएगा 6/10, ठीक है, दैट मीन्स पहले प्राइस कितना रहा था, तो ₹x रहा था पर सेब, ठीक है, तो वो कितना रहा होगा, 6/10, अब प्राइस कितना हो गया है, जल्दी से बताइए, उस x का क्या, 90%, दैट मीन्स 9x/10,
तो रिड्यूस्ड प्राइस क्या रहा होगा? रिड्यूस्ड मतलब होता है कम, जो हुआ है कम वाला मूल्य, कम वाला मूल्य कितना रहा होगा? 9x/10। ओके, क्या रहा होगा? 9x/10। तो 9/10 × x, x क्या हो जाएगा? 6/10। ठीक है, अभी बताइए ये कितने का मूल्य है? एक का। लेकिन हम लोगों को प्राइस कितने का चाहिए? प्रति दर्जन। 12 का दाम चाहिए, तो 12 का जब दाम चाहिए तो × 12 कर देते हैं, यहीं पर 12 निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू उतना ही आएगा, 6.48। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको दोनों प्रोसेस समझ में आया होगा। जो जिसमें एडजस्टेबल है उस प्रोसेस को लेके आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है, कोई बात नहीं है। यदि वह किताब का 108 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 10% लाभ होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसका प्रॉफिट 100% रहा होगा, सॉरी उसका सीपी 100% रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, इसका मतलब अब जो बेचा होगा वो 90% पर बेच दिया है, ये इसका सेलिंग प्राइस है अभी। लेकिन बोल रहा है कि यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको वो 108 रुपये अधिक पर बेचता। दैट मीन्स 90% जो भी मूल्य आया होगा, अगर वो 108 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। इसका मतलब ये हो गया कि इतना रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता। दैट मीन्स जो 100% सीपी है इस पर 10% का लाभ हो जाता। इसका मतलब उसका अब एसपी बन जाता है 110%। तो ये भी वही एसपी है और ये भी वही एसपी है। ये जो है एक दूसरे साइड से इंफॉर्मेशन दिया, ये एक दूसरे साइड से इंफॉर्मेशन दिया, तो दोनों तो सेम ऑब्जेक्ट का ही एसपी आया। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये इनडायरेक्टली इधर से बताया कि अच्छा एक किताब था जिसको 10% हानि पर बेच दिया तो 90% पर पहुंचा। नहीं, बोला नहीं, अगर इसी से 108 रुपया ज्यादा पर बेचता तब जाकर के इसको इस पर 10% प्रॉफिट होता। अच्छा, इसका मतलब ये एसपी या ये एसपी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब परसेंट वाला परसेंट के साथ घट जाएगा तो 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108। हम लोगों को क्या चाहिए? क्रयमूल। तो क्रयमूल कितना है? 100%। 100% के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 100% बराबर क्या हो जाएगा? 540। तो सीपी क्या बन जाएगा? 540। तो आंसर बी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि समान चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है? देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा रहे ना समान चाल से 3/4 भाग से, जब भी 3/4 भाग, 5/6 भाग, कुछ ऐसा भाग रहे, इसका मतलब 3/4 जो है ये टाइम का रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या रहेगा? एक्चुअल टाइम। नीचे वाला क्या रहेगा? लेट टाइम। ठीक है, ऊपर हमेशा अगर कभी भी ऐसा रहे समान चाल के किसी भी भाग से, 3/4 भाग से, 2/3 भाग से, 5/6 भाग से या 5/4 भाग से, तो ऊपर जो होगा वो एक्चुअल टाइम होगा और नीचे वाला होगा वो लेट होने के वजह से। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले उसको 3 टाइम लगता, ठीक है, लेकिन 3/4 से चला तो अब कितना टाइम लगता है? 4 टाइम। तो लेट कितने का हुआ? एक का। और यहाँ पर लेट कितने का हो रहा है? 20 मिनट का। इसका मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो हम लोगों से पूछा गया उसका नियत समय मतलब एक्चुअल टाइम, तो ये हमेशा एक्चुअल टाइम रहेगा। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर कितना हो गया? 60 मिनट। बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इससे समझ में नहीं पा रहे हैं तो देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। हम हमेशा दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं ताकि आप क्लियर कट समझ सके कि अगर शॉर्टकट ना बना पाए तो लॉन्ग कट भी बनाए तो हमारे लिए क्या उपाय होगा। तो देखिए, सोचते हैं पहले उसका एक्चुअल वेलोसिटी, जो वास्तविक चाल है, क्या है उसका? वास्तविक चाल की बात करें तो वास्तविक चाल इसका वी है। ठीक है, दैट मीन्स समान चाल की बात करें, वास्तविक चाल मतलब क्या हो गया? इसके समान चाल क्या हो गया? वी। अब जो नया चाल है, नया चाल कितना हो जाएगा? 3/4 भाग। इसका मतलब नया चाल हो जाएगा 3V/4। ठीक है, अब पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो न्यू टाइम है और जो वास्तविक टाइम है वो क्या होगा? तो जो वास्तविक समय है
जो सामान्य समय है, वास्तविक समय मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य समय। तो सामान्य समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम ही होता है, सॉरी डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, डिस्टेंस बटे दूरी बटे चाल, तो डी बटे वी। ठीक है, नया समय क्या हो जाएगा, जो सामान्य से हटकर है, तो नया समय क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो वही है डी, लेकिन चाल चेंज है। चाल कितना हो गया उसका, तो चाल हो गया उसका 3b/4। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4d/3b। ठीक है, अब देखिए दोनों समय का रेशियो निकाल लेते हैं, t1 मतलब एक्चुअल टाइम, t2 मतलब लेट वाला जो टाइम है। तो एक्चुअल टाइम कितना है, सामान्य समय d/v है, d/v बाय, और लेट वाला समय क्या है, 4d/3b, तो 4d/3b। तो ये क्या हो जाएगा, d/v × 3v/4d। तो dd कैंसिल, vv कैंसिल, कितना हो गया 3/4। अब देखिए समय का अनुपात कितना आ गया, कि पहले 3 लगता था तो अब 4 लगता था, सेम यहां पर आ गया है, तो अब पहले 3 लगता था अब 4 लगता है, इसका मतलब लेट कितने का हो गया, 1 का। तो फिर वही 1 = 20, तो 3 बराबर आ गया हमारा 60। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, इसी चीज को हम यहाँ पर बता दिए। आप डायरेक्टली अगर याद रखें तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इतना भाग से चल रहा है, तो 3/4 समय का हो जाएगा, 3 एक्चुअल टाइम, 4 लेट का हो जाएगा। अगर मान लीजिए कभी पहले पहुंच जाए तो भी ऊपर वाला एक्चुअल टाइम रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा, पहले पहुंचने वाला टाइम। ठीक है, आगे आएगा जब आप सेट पढ़ते रहिएगा तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, हम बताएंगे। बोल रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बोला जाए, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बोला जाए, तो कुछ नहीं करना है। अगर विषम संख्या है ठीक है, तो इसका औसत हो जाएगा 100/2, 50। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोला जाता 1000 तक के, अगर 100 के जगह यहां पर लिखा रहता कि 1000 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1000/2 कितना हो जाएगा, 500, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर बोला जाता है यहाँ पर कि 4000 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्या हो जाएगा, 4000/2 क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोला जाता कि 25 तक की, कहाँ तक की, 25 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है, तब क्या होगा, इसको आपको बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। अगर मान लीजिए 26 तक कर रहा था तो क्या हो जाता, 26/2, तब तो 13 आता, लेकिन अगर हम बोलते 25 तक का तब क्या होगा, अगर 1000 तक का बोले ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 1000/2, 500, लेकिन 1000 के जगह अगर वो 1001 तक का बोले कि 1001 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो, सॉरी औसत क्या होगा, तब उसका आंसर क्या होगा। तो आपके पास क्वेश्चन है कि अगर 25 तक के विषम संख्याओं का औसत बोले तो क्या होगा, या 1001 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बोले तब क्या होगा, ये बताना है। अब इसी में बात करते हैं इवन नंबर की। अगर बोलता कि 100 तक की सभी इवन संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, 100 तक की सभी इवन संख्याओं का औसत क्या होगा, तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर 500 तक की सभी इवन संख्याओं का औसत क्या होगा, तब क्या करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये सोचना है आपको। अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाएगा, 100/2 क्यों हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा प्रोसेस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 100 तक की सभी विषम संख्याओं की औसत की बात करें, तो 100 तक की सभी विषम संख्याएं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 100 तक की, तो 100 तक में सभी विषम संख्याएं क्या होगा, 1, 3, 5, 7 से लेके कहाँ तक, 99 तक होगा। ठीक है, औसत क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 से लेके कहाँ तक, 99 तक, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर कितना है। तो पता है कि 100 तक में 50 इवन 50 ऑड होगा, तो 100 तक में विषम संख्याएं कितना हो जाएगा, 50। अब इसका सम कितना होगा, तो ये एपी में है, एपी का सम हम लोगों को पता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 और लास्ट टर्म क्या हो गया 99। ठीक है, अब बाई कितना हो गया 50, अब ये 50 ये 50 कट गया, 99 + 1 100/2 कितना आ जाएगा 50। अगर आप लोगों से ये याद नहीं रहे कि
सौ तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 100/2 होगा। अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। कल जब हम स्टार्ट करेंगे 20 सेट्स को, तो कल बाकी हम इवन की बात करेंगे और ऑड की बात करेंगे, दैट मीन्स इसके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। ओके, तब तक आप लोग कुछ ना कुछ और भी पढ़ के रख लीजिएगा। बोल रहा है कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, वह दीवार ठीक है 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि M1, D1 ठीक है, C1 कैपेसिटी जो भी रहे बाय W1 वर्क डिवाइड हो जाता है नीचे, फिर यहाँ पर M2, D2, C2 बाय क्या हो जाएगा W2, ये सब आपस में इक्वल होता है। दैट मीन्स वर्क से डिवाइड होगा बाकी सारा मल्टीप्लाई, वर्क से डिवाइड होगा बाकी सारा मल्टीप्लाई। अगर अलग अलग कंडीशंस की बात करें तो ये दोनों बराबर होता है। अब देखिए 36 आदमी ठीक है 140 मीटर लंबी दीवार, तो ये तो वर्क है, तो ये तो डिवाइड होगा, 21 दिन में बनाता है, तो 21/140 इज इक्वल्स, दूसरे कंडीशन की बात कर रहा है। यदि वह दीवार 14 दिन में ठीक है 14 दिन की बात कर रहा है, उसी औसत से बनाई जानी है, मतलब उतना ही बनाना है जितना ये पहले था उतना ही बनाना है, 140 ही बनाई जानी है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आदमी तो ऊपर होगा तो x का जरूरत है, यहाँ से सॉल्व कर दिए 140 कैंसिल हो गया, 7 2 टाइम्स 7 3 टाइम्स 2 18 टाइम्स कितना जाएगा 54 हो गया हमारा आंसर। ओके क्लियर है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्र का अनुपात 7:5 था, कब, 10 वर्ष पहले की बात है ठीक है। तो अब फिर बोल रहा है यदि 8 वर्ष बाद इनके उम्र में 10 वर्ष का अंतर है, अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले ए और बी का एज कितना रहा होगा 7x और 5x, ये कब की बात कर रहा है 10 वर्ष पहले। अब देखिए एट प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट के लिए क्या होगा, इसको 10 वर्ष से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा है तो प्रेजेंट आने के लिए 10 साल आगे बढ़ेंगे, तो ए का एज कितना हो जाएगा 7x+10, बी का एज कितना हो जाएगा 5x+10, क्लियर है। फिर बोल रहा है यदि 8 वर्ष के बाद, इसका मतलब आप प्रेजेंट से 8 वर्ष आगे जाना है, तब इसका एज कितना हो जाएगा 7x+18 और इसका एज कितना हो जाएगा 5x+18 ठीक है। तो ठीक है 10 वर्ष के यदि 8 वर्ष बाद ठीक है उनके उम्र में 10 वर्ष का अंतर है। अब देखिए इसका मतलब है इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 10 वर्ष का, तो इस दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना जाएगा 2x और कितना हो गया 10, तो x और कितना हो गया 5, तो ए की वर्तमान उम्र ये वाला है कितना हो जाएगा 7 × 5+10 दैट मीन्स 45 हो गया हमारा आंसर। आ रही बात समझ में, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव खेल सकता है, अच्छा बोल रहा है कि शांत जल में ठीक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की से नाव खेल सकता है इसका, और तथा धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किसी गति है धारा की गति, ये कब है शांत जल में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर धारा के दिशा में जाएगा ठीक है, धारा मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है हमारा, अगर धारा के दिशा में जाएगा तो नाव का अपना चाल प्लस धारा का चाल दोनों मिल के साथ चलेगा, दैट मीन्स धारा के गति के डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा इसका 6 किलोमीटर पर आवर ठीक है। अगर मान लीजिए धारा के अपोजिट जा रहा है तब क्या होगा कि धारा इसको रोकेगा, क्योंकि धारा तो इधर बह रही है लेकिन नाव हमारा इधर चल रहा है, दैट मीन्स जब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नाव का जो एक्चुअल चाल हो जाएगा वो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर ठीक है। अब बोल रहा है उसे किसी स्थान तक नाव खेकर पहुंचने और वापस लौटने में, यानी कि जितना दूर तक वो जाता है मतलब धारा के साथ में, फिर वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है धारा के विपरीत, सेम डिस्टेंस तय किया यहाँ भी x यहाँ भी x, तो बोल रहा है कि वापस लौटने में 1 घंटा लगता है, यानी कि जाने आने में 1 घंटे का टाइम लगा, तो जाने में कितना लगेगा x/6 क्योंकि जाने में स्पीड तो 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, आने में कितना है 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, आने में 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से,
आने में कितना टाइम लगेगा, एक्स बाई फोर। तो जाने आने में दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, वन के बराबर। अब अगर सॉल्व कर दें यहाँ से तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 24। तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी को कोई प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकेंड लगते हैं। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर कोई गाड़ी है हमारा, ये हमारा छुक छुक रेलगाड़ी है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वो रेलगाड़ी क्या करता है, अपना डिस्टेंस, दैट मीन्स रेलगाड़ी अ प्लस किसका, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दोनों कवर करता है। इतना पता है हम लोगों को, ठीक है। तो 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड लगते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 को 5 मीटर 18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये बता चुके हैं पहले हम। अब देखिए, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलेगा कितना देर में पार करता है, 18 सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, 25 अगुना 5/18, ये मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड इनटू टाइम कितना, 18, ये यहाँ से कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 125 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये 125 मीटर किसके बराबर होगा, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगा। क्यों, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है। बोल रहे हैं फिर इसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करने में उसे 12 सेकंड लगते हैं। अब क्या बोलना चाह रहा है कि ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, ये इधर जा रही है और यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करता है तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल रेलगाड़ी की लंबाई होते हैं, ये पता होता है हम लोगों को। जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल गाड़ी की लंबाई होती है। इत्तेफाक से क्या हो गया यहाँ पर, इत्तेफाक से क्या हो गया है कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों चल रहा है। तो अब देखिए, जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हम कल बताए थे, याद कीजिए कल के सेट में, ये इधर जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, जल्दी से बोलिए, सोच के बताइए क्या होगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 5 × 5/18, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब बताइए जल्दी से, कल हम बताए थे कि अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों सेम, एक इधर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो गाड़ी के लंबाई के बराबर। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड कल बताए थे कि V1 × V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, 5 + 25 कितना जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 30 × 5/18, ठीक है। अब देखिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इस समय में, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा, गाड़ी की लंबाई के बराबर होगा, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब जब गाड़ी इधर जा रही है, आदमी इधर जा रहा है, और आदमी के पास भी स्पीड है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और गाड़ी का स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम लोगों को पता है कि स्पीड प्लस हो जाएगा, तो उसका स्पीड आ गया हमारा 30 × 5/18, ठीक है। कितना समय में पार कर लेता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 सेकेंड में पार कर लेता है, तो इंटू कर देते हैं 12, ठीक है। तो कितना जाएगा, 6 × 3 = 6 × 2 = 3 × 10 सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, दैट मीन्स गाड़ी की लंबाई आ गया 100 मीटर, ठीक है। और तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना रहा होगा, यहाँ से देखे हैं तो 25 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 125, तो आंसर डी। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है कि दो नल P एवं Q
एक हौज को 24 घंटे 32 घंटे में भर सकते हैं। चलिए पी जो है आपका 24 घंटे में और क्यू जो है आपका 32 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए तो पहला नल पी को कब बंद किया जाना चाहिए ताकि हौज 16 घंटे में भर सके। तो पहले ये देख लेते हैं कि हौज का कैपेसिटी क्या रहा होगा। तो ये इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 96। इसका मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि उस हौज का कैपेसिटी 96 लीटर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखें तो ये 24 घंटा में 96 लीटर भरता है, तो एक घंटा में कितना भरता होगा, 4 लीटर। पी वाला, क्यू वाला क्या है, 32 घंटा में ये हमारा 96 लीटर भरता है, तो एक घंटा में कितना भरता होगा, 3 लीटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, खोला एक साथ, तो पहला पी को कब बंद कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि पी को बंद किया जाना है, यानी कि पी वाला बंद होगा, ठीक है, कब बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज 16 घंटे में भर सके। इसका मतलब 16 घंटा में भरना है, तो पक्का 16 घंटा कौन चलेगा, जल्दी से बताइए। तो 16 घंटा क्यू वाला चलेगा 16 घंटा, क्योंकि बंद तो पी को करना है। तो जब ये 16 घंटा चलेगा तो कितना यूनिट भर देगा, एक घंटा में 3 लीटर भरता है, ठीक है, एक घंटा में 3 लीटर, तो 16 घंटा में कितना भरेगा, तो 16 घंटा में ये 16 × 3 दैट मीन्स 48 लीटर भरेगा। इसका मतलब उस 96 लीटर में क्यू जो है वो 48 लीटर भर रहा है, तो बाकी बचा कौन, कितना, 48 लीटर, तो वो कौन भरता होगा, पी। तब देखिए एक घंटा में 4 लीटर भरता है, ठीक है, तो 48 लीटर भरने में कितना देर लगाएगा, 48/4 दैट मीन्स 12 लीटर, सॉरी सॉरी 12 घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 घंटा के बाद पी को बंद कर देगा तो पूरा का पूरा हौज 16 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं यदि किसी रकम को 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यदि किसी रकम का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, ठीक है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपया, तो एक वर्ष का 50, दूसरे वर्ष का भी 50 होगा, ठीक है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज 104 रुपया हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 104 रुपया। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो आपको पता है, बताए थे हम कि अगर ऊपर बताए थे, याद कीजिए, अगर साधारण ब्याज 100 रुपया है, साधारण ब्याज क्या है, 100 रुपया है 2 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 104 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 4 रुपया। तो ये अंतर किसके वजह से आता है, तो 1 साल का जो ब्याज होता है ना उसके वजह से आता है, याद रखिएगा। तो 50 का R%, ठीक है, निकाल देंगे 1 साल के साधारण ब्याज का R%, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 साल का क्या हुआ, साधारण ब्याज का R%, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। तो इसी से क्या किया, 1 साल का साधारण ब्याज का R% बराबर होता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, तो इसका अंतर कितना हो गया, 4। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे 52 जा, तो R बराबर कितना जाएगा, 8% हमारा आंसर। याद रखिएगा इस पैटर्न को, याद रखिएगा, बहुत आसानी से सवाल बनाने के लिए आ जाएगा आप लोगों को। फिर बोल रहा है मोहन एवं मीरा की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है, तो मोहन और मीरा का कितना है, 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था, तो इसका मतलब प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में कितना है, मोहन जो है वो रहा होगा 3x और मीरा कितना रही होगी, तो ये रही होगी 4x, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले की बात करें तब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसमें 4 घटा दे, इसमें 4 घटा दे, तो अगर दोनों में से 4 घटा दें तो 4 वर्ष पूर्व चले जाएंगे, तो इसका मतलब 3x-4/4x-4 का वैल्यू किसके बराबर रहा होगा, 5:7 के बराबर रहा होगा। तो मोहन एवं मीरा की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, मोहन एवं मीरा की वर्तमान आयु क्या है, ओके, तो ऑप्शन एक ही दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऑप्शन छूट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बना लेते हैं यहाँ पर। अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 21x-28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20x-21
इक्कीस एक्स माइनस 28 यहाँ से क्या जाएगा 20x माइनस 20, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या जाएगा 8, इसका मतलब x का वैल्यू 8 हो गया, तो उसका जो परसेंटेज रहा होगा 24 और 32 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24 और 32 होना चाहिए किसी एक में, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा 24 और 32। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ए एवं बी की औसत उम्र 20 वर्ष है, ठीक है। तो ए और बी का अगर औसत उम्र 20 वर्ष है तो ए और बी का कुल उम्र कितना हो जाएगा 40। हम लोगों को पता है औसत में संख्या से गुणा कर देने से टोटल आ जाता है। अब बोल रहा है कि सी ए की जगह पर आता है, तो सी ए के जगह पर आता है तो सी प्लस बी हो जाएगा, कि जगह पर आता है तो औसत 19 हो जाता है, तब इसका मतलब कुल कितना हो जाएगा 38। फिर बोल रहे तथा सी बी की जगह पर आता है, सी किसके जगह पर, बी के जगह पर, दैट मीन्स यहाँ पर जो है बी है इसके जगह पर सी आ जाएगा, क्योंकि इससे ये बन रहा है इसी से फिर ये भी बनेगा, तो ए प्लस सी। बोल रहे ना सी बी के जगह पर आता है तो औसत 21 हो जाता है, तब टोटल उम्र कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो ए बी सी की उम्र क्या है तो देखते हैं। तो देखिए ए प्लस बी 40, सी प्लस बी 38, तो ए प्लस सी 42, सबको प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, ऐड कर दे यहां से तो ये हो जाएगा आपका कितना 80, 120। 2 कॉमन निकाल ले तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस बी 40 है, a प्लस बी अगर 40 है तो c क्या रहा होगा 20, तो सी आ गया हमारा 20 किसमें है ए नंबर में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, बाकी निकालिएगा आ जाएगा सही, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। बोल रहा है कि बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, क्या है 20% लोहा है। चलिए लोहे की मात्रा को 10% कम करने के लिए मिश्रण में कितना बालू मिलाना होगा, आप ये बताइए मिला क्या रहे हैं बालू, मिला क्या रहे हैं बालू, इसका मतलब क्या हुआ, पहले जितना लोहा था, जितना पहले था लोहा उतना लोहा अभी भी है, तो पहले कितना था, तो 1 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो 1000 ग्राम का 20% था लोहा, ठीक है। अब क्या कर दिए इसमें बालू मिला दिए, तो 1000 प्लस x ग्राम बन गया ये, ठीक है। मिलाने से क्या हो जाता है लोहे की मात्रा 10% हो जाता है, तो फिर भी इसका 10% लोहा आ जाएगा, लेकिन ये लोहा की क्वांटिटी, ये लोहा की क्वांटिटी तो बराबर होगा क्योंकि मिला तो हम लोग बालू रहे थे। ओके अब यहाँ से सॉल्व कर दे तो 100 100 गैप 10 10 यहाँ से गैप कितना हो जाएगा 2000 माइनस 1000, तो एक्स और कितना हो जाएगा 1000, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थोड़ा आप लोगों को समझा के बता रहे हैं, सिर्फ हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में सॉल्व कर सकें, तो थोड़ा टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। ओके चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।